तो भाई लोग अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने 5 कंट्रीज़ की बात की थी, जिसमें मैंने कहा था अप्लाई नहीं करो भैया, आपके पासपोर्ट पे रिजेक्शन का स्टैंप लग सकता है। पहले तो अगर वो वीडियो नहीं देखी तो वो देख लो, मैं लिंक ऊपर डाल दूंगा, कार्ड भी डाल दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक होगा तो देख लेना। तो उस वाली वीडियो के बाद मुझे बहुत आला किस्म का रिस्पांस आया और काफ़ी लोगों ने उसमें इंटरेस्ट शो किया कि यार अच्छा, बड़ी अच्छी बात की है कि इन कंट्रीज़ में अप्लाई ना करो, इनकी वीज़ा रेशियो लो है, रिजेक्शन का चांस ज़्यादा है। और दूसरी चीज़ जो मैंने कमेंट में नोटिस की वो ये थी कि यार बहुत सारे लोग यूरोप आना चाह रहे हैं, वो मुझसे ये पूछ रहे थे कि यार किस किस कंट्री में अप्लाई करें, आपने ये तो बता दिया है किस में नहीं करें, लेकिन बड़ी मेहरबानी होगी अगर बता दें कि किस किस में करें, जिसमें आप कह दें कि यार ये कंट्रीज़ है जहाँ पे अप्लाई कर लो जिनका वीज़ा रेशो फिट है। तो आपने भाई को कहा तो डोंट वरी यार, सीन ऑन है, आज मैं आपको वही कंट्रीज़ बताऊँगा जिसमें ये सीन है कि वीज़ा रेशो इनका बहुत अच्छा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेरे मुताबिक नहीं होगा, रिपोर्ट्स के मुताबिक इनका पास्ट 2-3 सालों की रिपोर्ट उठा लें तो इनका वीज़ा रेशियो बहुत अच्छा जा रहा है। ये कंट्रीज़ बनिस्बतन जर्मनी कह लें, बनिस्बतन स्विट्ज़रलैंड कह लें, जो कि बड़े बड़े नाम हैं फ्रांस वगैरह, उनकी नस्बत इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। शायद यही रीज़न है कि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं करते, इसीलिए इन्होंने अपना शेंजन वीज़ा देने में शायद अभी इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं की। तो इन कंट्रीज़ में अप्लाई करने का फ़ायदा आपको ये हो सकता है कि शेंजन वीज़ा, जिस तरह मैंने पहले बताया है, शेंजन वीज़ा आपको मिल गया ना भैया, पार्टी सीन ऑन हो जाएगा, आप यूरोप के 27 कंट्रीज़ में जा सकते हो। लेकिन आपको एक भी शेंजन वीज़ा, एक भी कंट्री का शेंजन वीज़ा मिल जाता है, ये मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि उस वीज़े की बेस पे ज़रूरी नहीं है कि आप उसी कंट्री में रहो, आप यहाँ पे यूरोप में कहीं भी आप ट्रैवल कर सकते हो जो जो कंट्री उस शेंजन जोन के अंदर आता है। ठीक हो गया, ये बात समझ आ गई है। अब भैया जी बात करते हैं कि कौन से कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि 2020 में जो शेंजन वीज़ा है, जो विजिट वीज़ा जहाँ पे हम बात करते हैं, किन किन कंट्रीज़ ने अपनी वीज़ा रेशो या वीज़ा देने की रेशो बहुत ज़्यादा हाई की हुई है। अक्सर होता है कि आपकी प्रोफाइल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इवन आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो, आपके डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग हो, आपको फिर भी रिजेक्शन आ सकता है। क्यों आ सकती है, वो रीज़न भी मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे। तो भैया पहले ये रिक्वेस्ट है कि पहले पिछली वीडियो देख लेना, ताकि बाद में आपको ये वाली सारी बातें आराम से समझ आ। तो अभी मैं कुछ ऐसे कंट्रीज़ के नाम लेने वाला हूँ जो कि शायद आपको लगे कि भैया तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। पहले मुझे भी लगता था शायद एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन भाई इधर ही है, गूगल मैप खोलोगे ना सब कंट्री मैप में मिल जाएंगे आपको। सबसे पहला कंट्री जो कि इस लिस्ट में आता है उसका नाम है लिथुआनिया। तो लिथुआनिया एक ईस्ट शेंजन कंट्री है और इस कंट्री में मज़े की बात यह है कि लास्ट 1-2 सालों में इसकी वीज़ा देने की रेशियो 98.7% रही है। ठीक है, तो इसका मतलब वीज़ा रिजेक्शन की रेशियो ओनली 1.3%। तो आप खुद हिसाब लगा लें कि 100% में से अगर 98.7% आपको वीज़ाज मिल रहे हैं तो इस कंट्री ने कितना लीनियंट किया हुआ है शेंजन वीज़ा देने का प्रोसेस। एक फ़ायदा तो ये हो गया कि इनका वीज़ा मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, दूसरा फ़ायदा ये हो गया कि आपको अपॉइंटमेंट के लिए भी ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अब मैं बात करूँगा लिस्ट पे आने वाले दूसरे कंट्री की, जिसका नाम है एस्टोनिया। एस्टोनिया का भैया बड़ा फिट सीन है, क्योंकि इसमें जितने लोगों ने अप्लाई किया है लास्ट 2 सालों में, 2018-2019 में, इनकी जो रिजेक्शन रेशियो आई है वो ओनली 1.6% है। इसका मतलब है 100 में से 1.6% लोगों को रिजेक्ट किया है और बाकी 98.4% लोगों को इन्होंने यूरोप का वीज़ा दिया है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ इस कंट्री के बारे में ये है कि ये 6ठे नंबर पे आ रहा है यूरोप के उन ममालिक में से जिन्हें लीस्ट एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं लास्ट 1-2 सालों में। तो दोबारा आपको अपॉइंटमेंट डेट्स मिलने में कुछ ज़्यादा इशू नहीं आएगा। अब मैं बात करूँगा यूरोप के तीसरे कंट्री की, जिसका नाम है फिनलैंड। फिनलैंड में मेरा कज़न भी रह रहा है, पिछले 5 सालों से मुझे बुलाया जा रहा है आजा, लेकिन फिनलैंड में ठंड इतनी होती है कि मुझसे जाया नहीं जाता। मैं वो बंदा हूँ जो ठंड से थोड़ा घबराता हूँ, लेकिन अगर आपको ठंड पसंद है ना, बर्फ़ वाले सीन यस करने, तो विंटर में लाजमी जाना वहाँ पे। और यूरोपियन कंट्रीज़ की ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि यार बड़ा ना करीब करीब है, लाइक फिनलैंड के करीब आपको नॉर्वे भी मिल जाएगा, आपको स्वीडन भी मिल जाएगा, डेनमार्क भी मिल जाएगा। तो बस यहाँ पे यही सीन है, जिस तरह आप पाकिस्तान में समझ लें कि आप पंजाब से सिंध जा रहे हो, अगर आप एक शेंजन कंट्री का वीज़ा ले लेते हो, आपने ऑस्ट्रिया से स्विट्ज़रलैंड जाना है ना, कोई नहीं पूछेगा। वो ये सीन होगा कि आप जर्मनी में खड़े हो, ऑस्ट्रिया जाना है, सिर्फ एक क्रॉस साइन करना है और कोई इतनी ज़्यादा आपकी कंट्रोल है या इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। हाँ, पर पासपोर्ट रख लेना, ये ना मुनीब भाई ने कहा था कुछ भी नहीं होता, मैं तो पंजाब से सिंध जा रहा हूँ, तो ये वाला सीन नहीं है, पासपोर्ट रख लेना, कहीं भी कोई भी उतार के आपको पूछ सकता है कि भैया किधर फिर रहे हो। खैर बातों में परसेंटेज बताना भूल गया हूँ इस कंट्री की, इसमें रिजेक्शन रेट ओनली 1.7% है फिनलैंड का। फिनलैंड वो कंट्री है जहाँ पे काफ़ी अमाउंट में वीज़ा एप्लीकेशन रिसीव होती हैं, स्टिल इन्होंने अपना जो रिजेक्शन रेट है, वीज़ा रिजेक्शन रेट है, वो काफ़ी लो रखा हुआ है और इनकी
वीज़ा एक्सेप्टेंस होने की रेशियो अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। चलें जी, फिनलैंड के बाद अब अगले पे बात करते हैं चौथे कंट्री में, जो कि मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट है। अभी तक मैं यहाँ पे जाने को तरस रहा हूँ, जाया नहीं गया मुझसे। इस कंट्री का नाम है आइसलैंड। बहुत ही खूबसूरत कंट्री है ये। आइसलैंड का सीन अच्छा है, वीज़ा रिजेक्शन रेशियो इसकी 1.7% है सिर्फ, और ये यूरोप का वो मुल्क है जिससे 2018 और 2019 में सबसे कम अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं। तो अगर आप देख रहे हो अगेन यूरोप आने के लिए, तो आइसलैंड अच्छा ऑप्शन है। अब पांचवें नंबर पे जो कंट्री आता है उसका नाम है लेटविया। लेटविया आजकल काफ़ी इन हुआ है क्योंकि इन लोगों ने रिक्वायरमेंट्स काफ़ी ईजी रखी हुई हैं, इन्होंने वीज़ा रिजेक्शन रेशियो काफ़ी लो रखी हुई है, इसी तरह इनकी वीज़ा एक्सेप्टेंस रेशियो काफ़ी हाई है। 97.9% लोगों को वीज़ा मिल जाता है जो लास्ट दो ईयर्स की रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक, तो सिर्फ 2.1% लोगों को रिजेक्शन आई है। तो लेटविया भी शेंजन वीज़ा लेने के हिसाब से एक बहुत फिट किस्म का ऑप्शन है। इसी तरह मैं अगले पांच कंट्रीज अब वो मेंशन करूंगा जिनकी वीज़ा एक्सेप्टेंस रेशियो काफ़ी अच्छी है, लेकिन इन कंपैरिजन टू जो टॉप फाइव मैंने एक्सप्लेन किए हैं उनके मुकाबले में थोड़ी लो है, लेकिन स्टिल अदर शेंजन कंट्रीज लाइक जर्मनी, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, इटीसी, ब्लाबला, उनकी निस्बत इनकी वीज़ा एक्सेप्टेंस रेशियो बहुत आला किस्म की है। उन कंट्रीज में से अगले जो 6, 7, 8, 9, 10 नंबर पे आ रहे हैं वो है पोलैंड, जिसकी एक्सेप्टेंस रेशियो 97% है, रिजेक्शन रेशियो ओनली 3% है। अगला कंट्री आता है लुक्जमबर्ग, जिनकी एक्सेप्टेंस रेशियो 96.3 है, इसी तरह रिजेक्शन रेशियो 3.7% है। ये सिंपल मैथ है, ठीक है, 100% में से माइनस कर लिया करो। तो अगर 3.7 को नहीं मिल रहा तो मतलब 96.3% को मिल रहा है। मैं तो अभी दिमाग में कैलकुलेशन किया चेक किया है। एंड अगले कंट्री पे बात करते हैं कि स्लोवाकिया, और स्लोवाकिया की वीज़ा रेशियो है 95.8% जो कि एक्सेप्टेंस रेशियो है, इसी तरह इसकी रिजेक्शन रेशियो 4.2%। अब जो नेक्स्ट कंट्री आता है वो है चेक रिपब्लिक। बहुत ही प्यारा सिटी है, मैं दो बार जा चुका हूँ यहाँ पे। इसका वन ऑफ द मोस्ट फेमस सिटी प्राग है, जहाँ पे चार्ल्स ब्रिज भी है, रोमांटिक शोमेंटिक सीन ऑन है, तो शादी वालों के लिए रिकमेंड करूँगा जाए वहाँ पे। और इसकी वीज़ा एक्सेप्टेंस रेशियो भी काफ़ी अच्छी है, 95.3%, बाकी आप माइनस कर लें। अब हम बात करते हैं आखिरी कंट्री की फाइनली, क्योंकि मुझे भी प्यास लगी है, सांस चढ़ा हुआ है। आखिरी कंट्री है आपका ग्रीस। हिस्टोरिकली बहुत अच्छा कंट्री है ये, ग्रीस के तो वाकयात भी माशाल्लाह से बड़े मशहूर हैं। खैर, अगर आप ग्रीस में अप्लाई करते हो तो ग्रीस की वीज़ा एक्सेप्टेंस रेशियो है 95.1%। सिंपल मैथ करो दोबारा से, इसकी रिजेक्शन रेशियो कितनी हुई, 4.9%। मैथ की क्लासेस भी दे रहा है भाई साथ साथ, और क्या चाहिए तुम्हें। तो भाई साहब, ये थी वो 10 कंट्रीज़ जहाँ पे अगर आप अप्लाई करें तो आपका सीन फिट हो सकता है, आप भी यूरोप के टूर मार सकते हैं। अब आने वाली वीडियोस में मैं बात करूंगा कि आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हो, और वो वीडियो देखने के बाद होपफुली आपके पास एक फुल प्लान पैकेज बन जाएगा वो कंट्रीज जहाँ अप्लाई नहीं करना। इस वीडियो में आपको पता लग गया जहाँ पर अप्लाई करना है, इसी तरह आगे आपको पता लग जाएगा कि अप्लाई करना कैसे। तो ठीक हो गया भैया, अभी मुझे इजाज़त दें, आज मौसम बड़ा अजीब सा है यहाँ पर, जर्मनी का मौसम आपको कुछ नहीं पता लगता, कभी कैसा होता है कभी कैसा होता है। खैर, मैं यहाँ बैठा हूँ, ये नीचे आपको देख रहा होगा बच्चे बुच्चे पढ़ रहे हैं, और ये बड़ी प्यारी सी लाइब्रेरी है जहाँ पे एक ज़माने में भी पढ़ता होता था। मौसम थोड़ा ख़राब है, और भाई टाइम है अभी बेड पे जाके मूंगफलियाँ खाने का। तो मुझे आप इजाज़त दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, यूरोप आने के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव स्टफ आपको मिलेगा। उम्मीद है दुआओं में याद रखेंगे, और ढेर सारा प्यार और दुआएँ आप लोगों के लिए भी। अल्लाह हाफिज़ भाई, साइनिंग आउट। क्या है ये, कौन घुसीट रहा है, वो चेक करें। सबसे पहला कंट्री जो कि इस लिस्ट में आता है उसका नाम है, उसका क्या नाम है सबसे पहला कंट्री जो कि इस लिस्ट में आता है उसका नाम है लिथुआनिया। मैं सही आ रहा हूँ ना?